सामान्य पत्रकार या नागरिक होने के नाते उन सभी जिज्ञासाओं का आज समाधान भी करेंगे। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि भेड़ियों का बिहेवियर पैटर्न क्या है, और देखिए पाठक जी ने वो बात हमारे साथ कही है। इम्तियाज अहमद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में, ये फॉर्मर DFO हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। आजम खां हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। क्या समस्या है, इसका समाधान सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, भेड़िया ही तो पकड़ना है। देखिए, आपके रिपोर्टर ने भी यही बात कही कि सरकार जागरूक ही नहीं है इस बात के लिए, और सरकार शायद संवेदनशील ही नहीं है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो वो चीजों को लाइटली नहीं लेती। अभी भी गांव से लोग बातचीत में बता रहे हैं कि अभी भी उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, मतलब इतने लोगों की मृत्यु के बाद भी लाइट नहीं मिल रही है। तो ये आप सोचिए सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। डबल इंजन की सरकार है, वो ये कहती है कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है, चमत्कार हो रहा है, लेकिन उन इलाकों में लाइट नहीं दे पा रहे। दूसरे भेड़ियों ने एक बात, अरे भाई मंत्री जी गए थे ढूंढने, काफी प्रयास किया, बार बार जा रहे हैं। ठीक है, संजय चौधरी मुझे बता रहे थे कि कल भी जाना था लेकिन गोरखपुर चले गए, अभी फिर जाएंगे मंत्री जी। जिला प्रशासन संवेदनशील रहा ही नहीं है। वन विभाग वालों की कोशिश जो थी वो तो लोगों ने किया, लेकिन उनके पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है जितना कि, जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराएगा तब तक उनका मामला पूरा बनता नहीं दिखेगा। और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन इसमें नहीं, पाठक जी कहते रहे, देखो भी पाठक जी ने कहा ना, आसान काम थोड़ी है, 75 स्क्वायर किलोमीटर तो मैंने कहा कि वन विभाग के पास रिसोर्सेस की प्रॉब्लम है, जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस रिसोर्सेस को देगा तब जाके वो कर सकते थे। दूसरे भेड़ियों ने एक बात और साबित कर दिया कि जो डबल इंजन की सरकार है उसने इतना सारा घर बनवाया लेकिन उन लोगों को घर नहीं दे सका जो भेड़िए के गिरफ्त में है बेचारे। वहां इतनी गरीबी है, लोगों के घरों में दरवाजा नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, लोग झोपड़ियों में सोने के लिए मजबूर। धन्यवाद आजम भाई, शुक्रिया आपका। इसका मतलब है कि विकास वहां तक पहुंचा नहीं। बहुत शुक्रिया।